अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद ज़ुबैर खान न्याजी। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ क्योंकि 48 घंटे हो गए हैं, 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, 13 लोग जो इंजर्ड हैं और एक शहीद है, उनकी FIR दर्ज कराने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे कातलाना हमला हुआ है, 48 घंटे होने को आए हैं, 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। ये बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये जो मेरा मुदय्यत में आना, मैं जो प्रेस उस FIR का मुदई हूं, वो खान साहब के रिश्तेदार होने की हैसियत से नहीं हूं, मैं तहरीक इंसाफ के कारकुन होने की हैसियत से हूं और मैं चश्मदीद गवाह हूं उस वाक्य का। मेरी आंखों के सामने ये वकुआ पेश आया, मेरी कानों ने सुना, मेरी आंखों ने देखा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं IG साहब से भी और पंजाब गवर्नमेंट से भी कि तहरीक इंसाफ का हर कारकुन पूछ रहा है कि अभी तक तहरीक इंसाफ का हर कारकुन पूछ रहा है कि अभी तक ये क्यों नहीं दर्ज हुई FIR। मैं कल थाने बैठा रहा, पूरा दिन कल बैठा रहा। DPO SHO ने हमें गोलियां दी, कभी थाने की लाइट बंद कर दी। मेरा यह सवाल है ऑन बिहाफ ऑफ 13 जख्मियों के और एक शहीद के बिहाफ पे मेरा सवाल है आपसे। सवाल यह है कि मुझे बताया जाए कि आपने 48 घंटे से पर्चा दर्ज नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया FIR, तो मुलजिम से तफ्तीश कैसे शुरू हो गई? मुलजिम से तफ्तीश और उसका बयान कैसे मंजरे आम पे आ गया? और जबकि किसी एक जख्मी का बयान भी नहीं लिया गया अभी तक। कौन से मुकदमे की तफ्तीश कर रहे हैं जो रजिस्टर नहीं किया अभी तक? और यह पूछना चाहता हूं कि उस मुकदमे में, उस वकुआ में झूठ क्या है? क्या वकुआ नहीं पेश आया? क्या मौजम गोंदल शहीद नहीं हुआ हमारा कारकुन? क्या 13 लोग जख्मी नहीं हुए समेत साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के, जिस वाक्य को लेके इंटरनेशनल मीडिया में तूफान बरपा हुआ है, पूरी दुनिया में कश्मकश है कि आलमी सतह के लीडर इमरान खान पे हमला हुआ है, समेत 13 और एक शहीद के मारने की साजिश तो पूरे कारवान को थी। ये साजिश कहां तैयार हुई? ये किसका प्लान था? और हमें खबरें आ रही थी, हमें इत्तला थी कि ये होना है, वो इत्तला कैसे थी? वो धमकियां क्यों हम तक पहुंचाई गई थी एक दिन पहले? अच्छा सर, क्या ये सारी चीजें, एक मिनट, क्या ये सारी चीजें आपस में मिलती नहीं? और मैं आपको 5-6-7 चीजें बताना चाहता हूं जो आपको हर सवाल का जवाब दे देगी। किसको तकलीफ थी इमरान खान से, जिसकी हुकूमत खत्म करवाई गई, रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया गया, फिर उसकी पॉपुलैरिटी मुल्क में तूफान मचा रही थी, जलसे हो रहे थे बड़े बड़े, फिर उसके बाद उसने जिमनी इलेक्शन में सबको स्वीप कर दिया, किसको तकलीफ थी उससे? फिर उसके बाद उसको एलिमिनेट करने के लिए, सियासत से खत्म करने के लिए उस पर पर्चे कराए गए बोगस, उसको कानून में फंसाने की कोशिश की, उसको जेल करवाने की कोशिश की गई, ये किसको प्रॉब्लम थी? फिर उसके बाद शहबाज गिल के साथ क्या हुआ? फिर उसके बाद आजम सवाती के साथ क्या हुआ? फिर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस TV पर लाइव दिखाई गई, खूनी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अब मेरा आखिरी बात,
क्या किसी पाकिस्तान के आईन में किसी फौजी को कानून के तले लाना मना है? किसी फौजी के खिलाफ एफआईआर कटवाना मना है किसी कानून में? नहीं मना। नहीं, क्या वकूए में कुछ झूठ हुआ है? नहीं। मुझे आर्टिकल 25 इजाजत देता है कि कोई पाकिस्तान का शहरी आईन से बालातर नहीं है, रूल ऑफ लॉ से ऊपर नहीं है। और आखिरी बात, खुलफा राशिदीन अगर पेश हो सकते हैं तफ्तीश के लिए। क्या बात है, खुलफा राशिदीन पेश हुए अदालतों में, तो क्या कोई खुलफा राशिदीन से बड़ा है यहाँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल है ये। अच्छा, अब आप सवाल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक तो भैया के दो तीन नाम खान साहब ने दिए, उनके अलावा कोई नाम मालूम भी आपने? कितने लोगों को लगाया आपने? जी नाम मालूम भी है वहाँ पे, उनके जो सहूलत कार है नाम मालूम। मेरी चीफ जस्टिस से अपील है सर, मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, ये पाकिस्तान का 13 जख्मी और एक शहीद के घर वाले चीफ जस्टिस साहब आपकी तरफ देख रहे हैं। बेशक देख रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब, इंसाफ की अदालतें आपकी तरफ, इंसाफ की तवक्को आपकी तरफ है। देखिए, एफआईआर हमने दे दी है और इंशाल्लाह हम उसी एफआईआर को परसू करेंगे, हमने पहुंचा दिया।